अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में आ रही है वाटर डाइट, उससे उसके हवाले से। वाटर डाइट है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, फ़ैट डाइट के अंदर आती है ये, वज़न तो बड़ा जल्दी कम हो जाएगा इसका इससे, लेकिन इसके नुकसान बाद में क्या होंगे, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पानी से आप वज़न कम कर सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। जो मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने मुझसे डाइट प्लान लिया हुआ है, वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा डाइट प्लान के एंड पे एक इंस्ट्रक्शन देती हूँ, पानी का इस्तेमाल 8 से 10 ग्लास ज़रूर रखें। पानी के बगैर वेट लॉस कभी भी नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छी डाइट रखते हैं, आप बहुत अच्छा अपना डाइटरी इनटेक रख रहे हैं, बहुत क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, जो मैंने डाइट प्लान दिया है बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ में पानी का इस्तेमाल कम है, तो वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। वेट लॉस के लिए पानी का इस्तेमाल अच्छा खासा होना ज़रूरी है, 8 से 10 ग्लास रिकमेंडेड है। लेकिन पानी से वज़न कैसे कम करना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पानी से वज़न कम करना हर एक के बस की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक को सूट नहीं करता। शुगर के पेशेंट्स हरगिज़ ये ट्राई ना करें बगैर किसी डॉक्टर के एडवाइस के। वैसे भी वाटर डाइट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर अगर किसी ने आर्मी का टेस्ट देना है, या एक हफ़्ते के अंदर अंदर किसी बेटी की शादी है, जो कि यूजली मसला बना होता है कि बेटी की शादी थी, हमने बहुत ज़्यादा किया, अब एक हफ़्ता रह गया, अब हम क्या करें। सो इन दैट केस आप वाटर डाइट को कर सकते हैं। अगेन, रिकमेंडेड नहीं है, हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, एक हफ़्ता आपके पास टाइम है, तो फिर इन दैट केस आप वाटर डाइट कर सकते हैं। वाटर डाइट में आपने करना क्या है, जितना आपका वज़न है, लेट से मेरा वज़न सब जानते हैं 43 केजी है आजकल, जितना वज़न है आपका, आपने उससे आधा पानी पीना है। सो अगर मेरा वज़न है 43 केजी, तो मुझे 21.5 केजी पानी पीना है, यानी 21.5 लीटर पानी पीना है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मैं तो कभी भी ना पीऊँ, बट ये है वाटर डाइट। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, हर कोई पी भी नहीं सकता, किडनी पे भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड शुगर को लेके भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं आपको बेहतर इससे बेहतर एक तरीका बता देती हूँ वज़न कम करने का। वो बेहतर तरीका ये है कि हर खाने से पहले आप 2 चम्मच इसबगोल, 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल के, जब वो थोड़ा सा फूल जाए, वो पी लें। वो आपकी हंगर को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देगा, हंगर आपकी यानी कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। 2 चम्मच इसबगोल बंदा घोल के पी लेना पानी में, आधा घंटा वैसे ही कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप मील खाएंगे तो आपका वैसे ही कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। ये एक हफ़्ते से ज़्यादा ट्राई नहीं करना, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, ये स्किन को डैमेज करेगा, ये हेयर फॉल कराएगा, आपको आपकी हेल्दी लुक भी नहीं रहेगी। लेकिन अगैन, अगर किसी का इमरजेंसी में किसी को वेट लॉस करना है, वो इसको फॉलो कर सकता है, लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं है। हाँ, वाटर फास्ट एक नई चीज़ आई है। वाटर फास्ट है पानी का रोज़ा रखना, यानी आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ पानी पीना। आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी चीज़ है। शुगर पेशेंट्स इसको फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं हमेशा बहुत तारीफ करती हूँ कि जी इसके ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छे असरात हैं, इसके हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छे असरात हैं, इसी तरह वाटर फास्ट के बहुत अच्छे असरात हैं हमारी बॉडी पर। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है ये, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। आप ये समझें कि 6 दिन आपने जो करना था कर लिया, 7वें दिन आपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, काइंड ऑफ डिटॉक्स। वैसे तो इस तरह से नहीं होती बॉडी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि ये समझें कि हम लोग 7वें दिन बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, जितना हमने अनहेल्दी खाया हम उसको बॉडी के अंदर से निकाल रहे हैं। सो 6 दिन आपने जो करना था कर लिया, 7वें दिन सिर्फ पानी पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक टी का, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं करनी है। ये ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी भी रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं आप लोगों को इजाज़त दे रही हूँ कि आप लोग करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें वाटर फास्ट में आपने सिर्फ 7वें दिन पानी पीना है, हफ्ते में एक से ज़्यादा दफ़ा इसको नहीं करना। अब होता क्या, एक दफ़ा किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, हमने जी हफ्ते में 2-2, 3-3 दफ़ा शुरू कर दिया, बेहोश होकर गिर जाएंगे। ये नहीं करना, हफ्ते में एक दफ़ा इसका फ़ायदा है, एक दफ़ा करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगी, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका नुकसान है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी क्यों ना हो। सो वाटर फास्ट हफ्ते में एक दफ़ा करेंगे तो फ़ायदा है, अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो ये भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। पूरे सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ। वाटर डाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वाटर डाइट में आपने करना कि अपना जितना वज़न है उससे आधा पानी पीना है। जैसे मेरा वज़न 43 kg है, तो मुझे 21.5 kg यानी 21.5 लीटर पानी पीना है, जो कि किडनीज़ के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। शुगर भी ज़ाहिर है वो लो करेगा, और इतना पानी पीने के बाद ना तो चला जाएगा बंदा, सिर्फ वॉशरूम के ही चक्कर लगाता रहेगा। सो 21.5 लीटर
ये मेरे लिए है, जिसका जितना वज़न है उसने उससे आधा पानी पीना है, दैट इज़ बेसिकली वाटर डाइट, जो कि अगैन प्रैक्टिकल भी नहीं और की भी नहीं जा सकती। जो मैंने आपको तरीका बताया वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि नाश्ते से दोपहर के खाने, रात के खाने से पहले 2 चम्मच इस्बगोल पानी में घोल के पी लें, वो आपकी हंगर को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं रहेगी, आप ज़रा निस्बतन कम खाएंगे। ये भी कोई बहुत रिकमेंडेड नहीं है। मैंने आपको साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए कि आपकी स्किन भी ख़राब होगी, इससे बाल भी गिरेंगे। 1 हफ्ते से ज़्यादा ये चीज़ आपने नहीं करनी, हफ्ता करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, हफ्ते से ज़्यादा करेंगे तो फिर इसका नुकसान है। तीसरी मैंने आपको चीज़ बताई वाटर फास्ट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 6 दिन आपने जो करना था कर लिया, 7वें दिन आपने सिर्फ पानी पीना है। आप ये समझें 7वें दिन आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। 7वें दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दिल करता है तो आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वाटर फास्ट में ऐसा इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इजाज़त दे रही हूँ कि अगर आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। एंड जो पानी है बेशक वो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पानी बेशक वज़न कम करता है, आप जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, आप जितना मर्ज़ी मेरा डाइट प्लान भी फॉलो कर लें अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच।